देखो सब बच्चे, ये कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। देखो फैमिली वर्ड, ये फैमिली वर्ड पूरे कोऑर्डिनेट में बहुत आता है। मतलब ऐसी चीजें जिनमें कोई एक बात कॉमन है उसे फैमिली बोलते हैं। जैसे मान लो अगर कई सारी लाइनें एक पॉइंट से पास हो रहीगी तो कहेंगे फैमिली ऑफ लाइंस, अगर कई सारी लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो कहेंगे फैमिली ऑफ लाइंस, है ना। तो मतलब अगर कुछ चीज़ों में एक बात कॉमन है तो उसे एक ही फैमिली के मेंबर कह दिया जाता। देखो तो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, दो गिवन लाइंस है, मान लो ये दो हमारी गिवन लाइंस है, फर्स्ट और सेकंड। अब मान लीजिए मैंने फर्स्ट का इक्वेशन ऐसा मान लिया, है ना, और मान लीजिए सेकंड का इक्वेशन मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है और ये सेकंड लाइन का इक्वेशन है। अब देखो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सी लाइनें पास हो रही हैं, बहुत सी लाइनें, तो मतलब इनको कहेंगे फैमिली ऑफ लाइंस। तो जो लाइनें पास हो रही हैं इनका जनरल इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो देखो इक्वेशंस ऑफ लाइंस, बहुत सी लाइन है ना इसलिए लाइंस, है ना, क्या हो जाएगा। देखो पहली लाइन a1x b1y plus c1 plus constant time, second line a2x b2y c2 बराबर जीरो। देखो ये वो सारी लाइंस हो गई जो कि फर्स्ट और सेकंड के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। मतलब यही वो फैमिली ऑफ लाइंस हैं जो दो गिवन लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही हैं, है ना। मतलब दो गिवन लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइंस अगर लिखनी है तो फर्स्ट लाइन प्लस कांस्टेंट टाइम सेकंड लाइन बराबर जीरो। अब देखो होगा क्या, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें कोई ना कोई वो कंडीशन और एक्स्ट्रा देंगे, है ना, तो उससे हम कांस्टेंट निकाल लेंगे। अभी इस बात को हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो ध्यान दो, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आगे चल के 3D में प्लेन में होता। मैंने बताया 2D में स्ट्रेट लाइन और 3D में प्लेन एक जैसा चलता है ना, तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आगे चल के 3D में प्लेन में होता है। दो प्लेन दिए जाएंगे, उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले बहुत सारे प्लेन भी ऐसे ही लिखे जाते हैं, पहला प्लेन प्लस कांस्टेंट टाइम दूसरा प्लेन बराबर जीरो। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो मैं छोटा सा एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं। मान लीजिए हमसे क्वेश्चन दिया गया है ना कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ठीक है, एक्स माइनस वाई बराबर 1, है ना, और एक्स प्लस 2y बराबर 3, है ना, एंड परपेंडिकुलर टू लाइन 4x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0। देखो ऐसी लाइन चाहिए जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर। देखो एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी गई है ये परपेंडिकुलर वाली, जिससे हम k निकाल पाए। लोग क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को, देखो ऐसा है, अब जैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए देखा जाए तो इस कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है। हाँ इससे भी कर सकते हैं लेकिन बिना इसके भी कर सकते हैं। देखो जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को बिना इसके करें काफी आसान है, ये दो लाइंस है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, है ना, इन दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। कैसे निकालेंगे, वही तरीका, माइनस माइनस माइनस। देखो क्या हुआ, ये हुआ माइनस का 3y बराबर माइनस 2, देखो y बराबर क्या हो गया बोलो 2y3 हो गया, ध्यान दो, है ना, इसमें से इसको हमने कर दिया माइनस, ठीक है। देखो अब ये y की वैल्यू इसमें रख दो तो क्या हुआ, x माइनस 2y3 बराबर 1, देखो x हो गया 5/3। देखो ये वो पॉइंट आ गया, क्या बोलो, 5/3, 2/3, ठीक है, ये वो पॉइंट आ गया जिससे लाइन पास हो रही है और लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो देखो क्या होगा, लाइन का स्लोप मिल जाएगा, है ना। देखो कैसे, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप निकालो, 3y बराबर 4x प्लस 2, है ना, y बराबर क्या हो गया, 4/3x प्लस 2/3। तो देखो इस लाइन का स्लोप हो गया 4/3 और जो लाइन हमें निकालनी है वो इसके परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप हो जाएगा -3/4, है ना।
लाइन का स्लोप हो गया क्या बोलो 4/3, और जो लाइन निकालनी है उसके परपेंडिकुलर लाइन ले लो माइनस का 3/4। अब देखो पॉइंट आपको मालूम ही है और स्लोप मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, देखो y माइनस वाई वन बराबर स्लोप ब्रैकेट में x माइनस x1, है ना, ऐसे देखो ये बोलो, है ना, पॉइंट मालूम है 5/3 2/3, और देखो स्लोप ये निकाल लिया माइनस 3/4, है ना, क्योंकि एक लाइन का स्लोप मालूम है उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए, तो रेसिप्रोकल और नेगेटिव कर देते हैं। तो देखो ये हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया, है ना, तो मतलब ये है कि हम इस मेथड को ना भी लगाएं तो ये सवाल कर लेंगे, और अगर इस मेथड को लगाएंगे तब भी कर लेंगे, लेकिन तो ज्यादा अच्छा मेथड देखो यहां पर ये है कि हम इसके बिना ही इस सवाल को करें, है ना। अब अगर हम इस मेथड को लगा के करना चाहेंगे तब भी ये सवाल हो जाएगा, कैसे होगा देखो बताते हैं, है ना। लेकिन अब देखो ये क्वेश्चन इस मेथड के बिना हो रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं ये फार्मूला बेकार है, इस फार्मूले की अपनी इंपॉर्टेंस है, क्या है बताएंगे, देखो पहले इतनी बात देखो जरा बच्चे सब ध्यान से।